प्यारे भक्तों, ओम लक्ष्मीय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आपको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत दिनों बाद फिर आपके पास आया हूं। आप बोले गुरुजी हर बार लेट ही आते हैं, चलो कोई बात नहीं, इस बार माफ कर दो, अगली बार मैं बहुत जल्दी आऊंगा। कल धनतेरस है, इसलिए सबसे पहले तो मैं आपको धनतेरस के पूजा की विधि और छोटे छोटे उपाय बताऊंगा, जिससे आपके घर में सारा साल महालक्ष्मी और धन की वर्षा हो कि आपका खजाना भर जाए। तो धनतेरस की पूजा की विधि से समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी की कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में उत्पत्ति हुई थी। तो भगवान धन्वंतरी की पूजा और कुबेर की पूजा, ये धनतेरस के दिन होती है। कुबेर को देवताओं का वित्त मंत्री बोला जाता है, और इसके साथ साथ महालक्ष्मी और गणेश की पूजा होती है। और ये आपको बहुत सरल उपाय बताता हूँ। धनतेरस से 4:20 से 6:30 तक एक झाड़ू लेके आना है आपको। झाड़ू लेके आना है और अपने जिस घर में आपने मंदिर पूजा का स्थान बना रखा है उसमें झाड़ू लगा के उसकी सफाई करनी है। और उसके बाद झाड़ू से जो दरिद्रता है, जो गंदगी सारी बाहर आ जाएगी और लक्ष्मी का आगमन आना चालू हो जाएगा। और उस दिन धनतेरस के दिन आप अपनी जेब के हिसाब से, अपनी यथाशक्ति के हिसाब से बर्तन खरीदिए। एक खरीदो, दो खरीदो, पूरा सेट खरीदो। सोना चांदी खरीदना है थोड़ा थोड़ा ले लो, ज़्यादा नहीं ले सकते, 500 रुपये का ले लो। और उसकी बर्तन सोना चांदी लेने का मुहूर्त है 4:20 से 6:40 तक आप इसको ले सकते हैं। और 6:30 से लेकर 8:30 तक धनतेरस में पूजा का समय है। तो आपको भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी है। इस दिन मैं आपको खास बात ये भी बताता हूँ, इस दिन यम की पूजा भी होती है, यमराज की। एक ही दिन है साल में जिसमें यमराज की पूजा भी होती है। यम की पूजा करने के लिए आपको क्या करना है, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक दक्षिण मुखी कोण में, अपने घर के दक्षिण मुखी कोण में सरसों के तेल का दीपक लगाना है और ये मंत्र पढ़ना है, ओम यम ए नमः, ओम यम ए नमः, ओम यम ए नमः 11 बार बोलना है। और महालक्ष्मी की पूजा जब करनी है तो ओम महालक्ष्मी ए नमः, भगवते वासुदेवाय नमः, ओम गणगणगोताय नमः, और जो भी आपको लक्ष्मी जी की आरती वगैरह है उसको आपको उच्चारण करना है। और दूसरा, मैंने एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे डाला है दीपावली का, उसमें सब पूजा की विधि आपकी राशि के हिसाब से कौन सी आपको घर में लाइटें लगानी है, रोशनी लगानी है, वो आप देख लेना, वो भी आप कर लेना। और जिस दिन आप धनतेरस की पूजा करोगे, थाली में एक एक रुपए के 16 सिक्के रख लेना, एक एक रुपए 16 सिक्के रख लेना। और 4 शुक्रवार 4-4 सिक्के पानी में छोड़ते रहना, बहते पानी में छोड़ते रहना, तो आपको लक्ष्मी जी का बहुत अच्छा आगमन होगा। ये 4 शुक्रवार 4 सिक्के एक एक रुपए के पानी में छोड़ोगे, बहते पानी में छोड़ो ज्यादा अच्छा है। उसमें वो उसको गंगा जल से धो लेना पहले सिक्कों को, फिर पानी में प्रवाह करोगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। अगर आपका, मुझे किसी ने पूछा था कि हमारा मकान खाली नहीं हो रहा साहब, हमारे किराएदार मकान नहीं खाली कर रहे, तो उसमें क्या करना, 100 ग्राम शहद की डब्बी लेना, उसमें उस आदमी के नाम की पर्ची डालना, उसको 11 बार हिला के पानी में प्रवाह कर देना फ्राइडे के दिन या मंडे के दिन, तो वो 40 दिन के अंदर आपका मकान खाली कर देगा। घर में बहुत ज्यादा कर्जा हो रहा है, पैसे की कमी हो रही है, तो 11 गोमती चक्कर लेना, 11 गोमती चक्कर को ऐसे एक परो के घर के मेन आंगन में बांध दोगे तो आपके धनलक्ष्मी का जो अभाव हो रहा है, जो कर्जा वटा हो रहा है, वो सब दूर हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि आज दीपावली का दिन है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, वो द्वारा मैं आपको बोलता हूँ कि आजकल आप YouTube पे जाओ, Facebook पे जाओ, Google पे जाओ, तो आपको लाखों ज्योतिषी मिलेंगे, उनकी फीस भी होगी, सब कुछ होगा। ज्योतिष शास्त्र जो है वो समुद्र की तरह है, जिसका अंत ही कोई नहीं है, अनंत है ज्योतिष शास्त्र। और जब आदमी जन्म ले लेता है तो प्रॉब्लम का अंत भी नहीं होता, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो फकीर हो, चाहे गरीब हो, तो उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। तो आपको सबसे बढ़िया सुविधा मैं दे रहा हूँ, आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोर्ट केस हो, मैरिज की हो, कर्जे की हो, लड़ाई झगड़े की हो, बिजनेस में नहीं चलना हो, तो आप मेरे से कभी भी व्हाट्सएप पर संपर्क कर लो। मेरा नंबर है 9827
30415, ना तो मेरी कोई फीस है ना कोई मेरे चार्जेस हैं, मेरे यही मेरा स्लोगन भी यही है, भविष्य की चिंता छोड़ो, गुरु जी से नाता जोड़ो, ना कोई पैसा ना कोई फीस, वो देते हैं सबको आशीष। तो मेरा हम फकीरों से दोस्ती कर लोगे, हम फकीरों से दोस्ती कर लोगे तो गुरु सिखा देंगे तो शहनशाही के। तो भैया हम तो फकीर आदमी है, कोई पैसे वैसे का लालच नहीं है, ऊपर वाले की कृपा है, आपका आशीर्वाद है। आप जब चाहो 9827030415 पे आप मेरे संपर्क करें। अगली बार मैं जब आपको आऊंगा तो एक हफ्ते 10 दिन के बाद, तो जो माथों की लकीरों पे जो ऐसे करके लकीरें बन जाती है ना माथे की, इसके ऊपर भी ज्योतिष में बहुत कुछ ज्ञान आता है कि 2 लकीरें बने तो क्या होगा, 4 लकीर बने तो क्या होगा। तो मैं आपको माथे की लकीरों का और सिग्नेचर का बताऊंगा, ऊपर सिग्नेचर करो, स्टेट सिग्नेचर करो, ड्रॉप लगाओ, उसके क्या लाभ है क्या फायदे, वो अगली बार बताऊंगा। अब मैं एक बार फिर आपको दीपावली और धनतेरस की बधाई देता हूँ। आशा है आपका दीपावली और धनतेरस त्यौहार रोशनी से, दीपक से भर देगा। ओम नमः शिवाय।